I had thought a lot about what I would say the moment I came out. What I would say about what happened on the 5th of August. What I would say about the way J&K as a state was broken up into two union territories. What I would say about the change in the status of Jammu and Kashmir. About the hardships that the people faced. Kis tarah itne mahine bachchon ke school, bachche hamare school nahi ja sake. Kis tarah hamare dukandar mahine mahine tak koi kamai nahi kar sake. किस तरह इतने महीने हमारे होटल बंद रहे, हमारे टैक्सी वालों का की कमाई रुक गई, हमारे हाउस बोट वाले, शिकारा वाले, हमारे फैक्ट्री वाले, कितनी मुश्किल और परेशानी का सामना उनको करना पड़ा. मैं तो एक जगह बंद था, लेकिन जो परेशानियां यहां के लोगों ने देखी, किस तरह उनको घरों में बंद रखा गया. मैं बहुत कुछ मैंने सोचा था कि इसके बारे में कहूंगा निकल के, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास है कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं. हम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं आज. और अफसोस की बात यह है कि हम लोग जो हैं गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के खिलाफ आज इस तरह जमा हुए हैं. हमें कहा गया था और हम ये पैगाम सबको दे रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए. इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें एहतियात करना चाहिए. लेकिन हम क्या सबक दें लोगों को जब हम खुद उस सबक पे जो है काम करने के लिए तैयार नहीं है. इस रियासत की सियासत, इस रियासत के हालात, इस रियासत को 5 अगस्त पे क्या किया गया उसके बारे में मैं खुल के बात करूंगा. लेकिन पहले दो चीजें, एक तो इस कोरोना वायरस के नजात से हम, ये की बीमारी से हम नजात हासिल करें, अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने मां बाप को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को बचाएं, दोस्तों को बचाएं, पड़ोसियों को बचाएं. और उसके साथ साथ हमारे जितने सारे लोग बंद हैं, चाहे वो रियासत के अंदर बंद हों या रियासत के बाहर बंद हों, मैं चाहता हूं कि इस मुश्किल हालात में मरकज की हुकूमत उन पर रहम करें और उनको घर वापस लाएं, उनको छोड़ें. और उसके साथ साथ मेरी मोहतबाना गुजारिश मरकज से कि खुदारा हमारे ऊपर जो ये पाबंदी लगाई हुई है कम्युनिकेशन की, आज भी खुदारा और कुछ नहीं तो हमारा ये 3G 4G दोबारा खोलिए. हमसे कहा जाता है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो हमें सबक सीखना चाहिए वो हमें इंटरनेट से हासिल होना चाहिए, लेकिन खोलें क्या जब कुछ चलता नहीं है. इसलिए आज के दिन आप सबों से सिर्फ यही गुजारिश कि गवर्नमेंट का जो पैगाम लोगों के तरफ सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात का, उस पर हम अमल करें. और मरकज को गुजारिश एक वो कि जो लोग आज भी हिरासत में हैं, गिरफ्तार हैं, बंद हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, चाहे मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी हों, चाहे PDP के हों, चाहे जिस भी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो किसी भी तंजीम से ताल्लुक नहीं रखते लेकिन अगस्त से बंद हैं, रियासत के बाहर जेलों में बंद हैं, इन मुश्किल हालात में कम से कम उनको अपने रिश्तेदारों के पास वापस लौटा दीजिए और हमें अपना जो 3G 4G जो है जो हमसे छीना गया वो हमें लौटा दीजिए. बाकी चाहे वो 370 हो, चाहे 35A हो, चाहे UT हो, चाहे रियासत की जो बाइफरकेशन हो, इन सब चीजों पे जब हम इस बीमारी से जो है निजात हासिल करेंगे मैं खुल के आप लोगों से बात करूंगा.